मित्रों, भगवान राम का नाम सुनते ही मनुष्य के मन में भक्ति की भावना जाग जाती है। प्रभु की महानता व उदारता की चर्चा पूरे संसार में है, और ये तो आप भी जानते ही हैं कि कैसे पिता के एक आदेश पर अपना राजपाट त्याग कर वो 14 सालों के वनवास पर निकल गए थे। लेकिन मित्रों, ये कम ही लोग जानते हैं कि भगवान राम ने अपने वनवास के ये 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए। तो आइए, आज की इस प्रस्तुति में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, 14 साल के अपने वनवास काल में भगवान राम ने बहुत से ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की, और देश के आदिवासी, वनवासी और कई तरह के समाजों को संगठित कर उन्हें धर्म के रास्ते पर चलाया। उन्होंने पूरे भारत को एक ही सिद्धांत की माला में पिरोया। लेकिन इस दौरान उनके साथ जो जो घटा, उसने उनके जीवन में भी परिवर्तन कर दिया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम को वनवास मिला, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से आरंभ की और रामेश्वरम के बाद श्रीलंका में इस यात्रा का अंत हुआ। इस दौरान उनके साथ जहां जो भी घटा, उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों के बारे में इस धर्म ग्रंथ में बताया गया है। और मित्रों, इन सभी जगहों पर तत्संबंधी स्मारक स्थल बने हुए हैं, जहां जहां प्रभु श्री राम और माता सीता रुके थे। तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला, तमसा नदी। मित्रों, अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर स्थित है ये तमसा नदी, जिसे नाव से पार करके भगवान राम आगे की यात्रा पर निकले थे। दूसरा है श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगवेरपुर स्थित है, जो भगवान राम के समय निषादराज गुह का राज्य था। उन्होंने यही गंगा के तट पर केवट से गंगा पार करने को कहा था, और वर्तमान दौर में श्रृंगवेरपुर को ही सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, कुरई गांव। अब सिंगरौर में गंगा नदी को पार करके प्रभु श्री राम इस कुरई नामक गांव में रुके थे। चौथा, प्रयाग। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता माता सहित कुरई से आगे चलकर प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन बिताए। पांचवा, चित्रकूट। भगवान श्री राम ने प्रयाग संगम के पास यमुना नदी को पार किया और फिर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट वही जगह है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। उस समय राजा दशरथ का देहांत हो चुका था, और भरत यहां से अपने भाई श्री राम की चरण पादुका ले जाते हैं और उनकी ये चरण पादुका सिंहासन पर रखकर राज्य को चलाते हैं। छठा, सतना। मित्रों, बता दें कि चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, परंतु सतना में रामवन नामक एक स्थान पर भी प्रभु रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। सातवां, दंडकारण्य। सतना से निकलकर भगवान राम एक घने वन में पहुंचे। असल में यहीं से उनका वनवास शुरू हुआ। इस वन को त्रेता युग में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। और मित्रों, ये जंगल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे भारत के कई राज्यों में फैला हुआ था। उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का इलाका था। वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित भद्राचलम नाम का शहर भी इसी का हिस्सा था। मान्यताओं के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर बसा ये नगर सीताराम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी व्यतीत किए थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्य के आसमान में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जटायु के कुछ अंग इस जगह पर आ गिरे थे। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जटायु का यहीं पर एकमात्र मंदिर है। आठवां, पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने के बाद प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। ये आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यही पर लक्ष्मण जी ने राक्षसी शूर्पनखा की नाक काटी थी, और राम लक्ष्मण ने खर्व दूषण के साथ युद्ध करके उन्हें मृत्यु के घाट उतारा था। और तो और, गिद्धराज जटायु से प्रभु की भेंट और मैत्री भी यही पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इस पंचवटी का मनोहर विस्तार मिलता है।
नौवा सर्वतीर्थ, नासिक क्षेत्र में रावण ने सीता का हरण कर जटायु का वध कर दिया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सवतीर्थ नामक जगह पर आज भी संरक्षित है। मित्रों, जिस जगह जटायु की मृत्यु हुई थी वो जगह आज भी नासिक के ताकेड़ गांव में मौजूद है। बता दें कि इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने माता सीता के बारे में प्रभु राम को बताया था। भगवान राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु दोनों का श्राद्ध तर्पण किया था। दसवां पंद्रशाला। मित्रों, आंध्र प्रदेश के खम्बाम जिले के भद्राचलम में पंद्रशाला स्थित है। इस जगह के पास ही गोदावरी नदी भी है और ऐसी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से माता सीता का हरण हुआ था। इसी जगह से रावण ने माता को पुष्पक विमान में बिठाया था और भगवान राम और माता सीता का यहाँ आज भी एक प्राचीन मंदिर स्थित है। ग्यारहवां तुंगभद्रा। श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसीलिए मित्रों, इस नदी के कई इलाकों में भगवान राम और लक्ष्मण के आने के सबूत मिलते हैं। बारहवां शबरी का आश्रम। जटायु और कंबंद से मिलने के बाद प्रभु राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वो पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो वर्तमान के केरल में स्थित है। और तो और, बहुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भी इसी नदी के तट पर स्थित है। तेरहवां ऋषिमुख पर्वत। भगवान राम और लक्ष्मण जी मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की तथा माता सीता के आभूषणों को देखा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषिमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। चौदहवां कोड़ी करई। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की तरफ कूच कर गए। कोड़ी करई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पार्क स्ट्रीट से घिरा है। इसी स्थान पर श्री राम की सेना ने पहला पड़ाव डाला था और भगवान राम ने अपनी सेना को एकत्रित कर विचार विवेचन किया था। फिर प्रभु की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद ये जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद भगवान की पूरी सेना रामेश्वरम की तरफ कूच कर गई थी। पंद्रहवां रामेश्वरम। मित्रों, वर्तमान समय में रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र माना जाता है। महाकाव्य रामायण में उल्लेख है कि कौशल्या पुत्र राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं पर भोलेनाथ की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित है और भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यहाँ बना सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता था और ये करीब 30 किलोमीटर लंबा था। सोलवां धनुषकोडी। अब रामेश्वरम पहुँचने के 3 दिन बाद भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र में वो स्थान खोज निकाला जहाँ से बड़ी ही आसानी से लंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक एक पुल बनाने का निर्णय लिया। धनुषकोडी रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है और ये श्रीलंका के तलय मन्नार से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बता दें कि इसका नाम धनुषकोडी इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष की तरह था और इस पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। सत्रवां नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। अब अंत में इतनी परेशानियां झेलने के बाद प्रभु राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जा पहुंचे, जहां नुवारा एलिया पहाड़ियों के लगभग 90 किलोमीटर दूर मध्य में रावण का महल था। इन्हीं पहाड़ियों के आसपास थे रावण झरना, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके त्रेता युग के होने की पुष्टि मिलती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहां कहां गए थे और उन्होंने कहां कहां समय बिताया था। अगर आपको यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।